वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट अ मॉरल स्टोरी दिस लेक्चर इज़ परटिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर इंटर पार्ट वन जो कि पेपर देने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडियट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए और इन जनरल तो डेफिनेटली इट इज़ फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स और हर उस स्टूडेंट के लिए है जो कि एक स्टोरी एक अच्छी स्टोरी लिखना चाहता है तो स्टार्ट विद द लेक्चर टूडे हाउ टू राइट अ मॉरल स्टोरी तो जी मॉरल स्टोरी जो है वो आपके पेपर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपको क्वेश्चन आता है इसमें आपके पास चॉइस होती है दो शॉर्ट स्टोरीज आती हैं जिसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना होती है और जी ये आपके कॉन्टेंट्स हैं जो हमारे लेक्चर के फर्स्ट ऑफ ऑल वी वी लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी मॉरल स्टोरी क्या होती है नंबर टू स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉरल स्टोरी इस पर हम डिस्कशन करेंगे And number three, we will discuss the important points to remember uh, in writing a short story. And number four, we will discuss about important moral story topics as we Let's start with the introduction. The story writing is a composition. मॉरल स्टोरी इज़ अ नरेशन ऑफ एन ईवेंट और ऑफ़ अ सीरीज़ ऑफ इंटरलिंक्ट इवेंट्स ड्राॅइंग अ मॉरल अब जो स्टोरी राइटिंग होती है इसमें चूँकि आप कंपोज कर रहे होते हैं एक ईवेंट होता है एक इंसिडेंट होता है जिसको आप इसमें आ, बता रहे होते हैं नरेट कर रहे होते हैं तो सो इट्स एन एक्सरसाइज ऑफ कम्पोजिशन तो जब हम मॉरल स्टोरी में आते हैं पर्टिकुलरली तो इट इज़ अ नरेशन ऑफ एन ईवेंट तो इसमें किसी एक ईवेंट की सिर्फ हम बात करते हैं या अ सीरीज़ ऑफ इंटरलिंक्ड इवेंट्स होते हैं जिनकी हम बात कर रहे होते हैं और ये सारे के सारे एक इवेंट या ये तमाम इवेंट्स जो हैं ये एक मॉरल ड्रॉ करते हैं एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं दैट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्योंकि कोई भी जो स्टोरी है दैट इज़ बेस्ड ऑन सम मॉरल और थीम उसका एक मरकजी ख्याल जिसको आप कहते हैं उर्दू में और थीम आप कहते हैं उसको इंग्लिश में तो वो मरकज़ी ख्याल वो जो मेन आइडिया होता है वो उस स्टोरी का होता है जो आपको उस स्टोरी से मिल रहा होता है उस इवेंट से आप ड्रा कर रहे होते हैं तो इसका एक फायदा ये भी होता है कि आप जब अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वहां पर भी आपने देखना है कि कौन सी बात से आप कौन सी चीज़ को ड्रा कर रहे होते हैं यानी किस चीज़ से आपको कौन सा लेसन जो है वो मिल रहा होता है तो स्टोरी होती है क्या है जी स्टोरी इज अ टेल रियल और इमेजनरी और फिक्टिशियस समटाइम्स तो आप इसमें कुछ रियल इवेंट्स भी जैसे आप बहुत सारे आपके हिस्ट्री में से भी आपको मिल जाते हैं जैसे आपकी एक स्टोरी है किंग ब्रूस की स्टोरी है इसके अलावा हज़रत अब्दुल कादर जिलानी uh, रहमतुल्लाह रहा की स्टोरी है तो इस तरह से कुछ स्टोरीज़ आपको हिस्ट्री से भी मिल जाती हैं तो ये सब स्टोरीज़ जो होती हैं वो रियल लाइफ से होती हैं इसके अलावा कुछ इमेजिनरी स्टोरीज़ होती हैं फिक्टिशियस होती हैं तो फिक्टिशियस और इमेजिनरी ऑलमोस्ट सेम होता है जी तो ये जो है वो आ, आप स्टोरीज़ जो हैं वो बनाते हैं या रियल होती है या इमेजिनरी होती है इट मे बी लेजेंड फेबल और पैरबल अब लेजेंड कौन सी स्टोरी होती है जिसमें सब सुपर सच सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स जिसमें स्टोरी में होते हैं जैसे आपकी जो वुड कटर वाली स्टोरी है तो उसमें आप देखते हैं कि एक फेरी आती है इसी तरह से आप जो अपनी स्टोरीज सुनते हैं या पढ़ते हैं बहुत सारी फेरीज़ के बारे में जिन भूतों के बारे में देव के बारे में तो ये ये सारी जो स्टोरीज़ होती हैं परियों के बारे में तो ये सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स जिसमें होते हैं दैट इज़ लेजेंड मतलब स्टोरी को लेजेंड कहते हैं इसके अलावा स्टोरी जो है दैट मे बी अ फेबल और अ पारबल तो नॉर्मली हम जो स्टोरीज लिख रहे हैं या जो हम लर्न कर रहे होते हैं जो हमारी टेक्स्ट में भी होती हैं हम आ, जिसको हम आ, पेपर में लिखते हैं तो वो नॉर्मली फेबल या parables होती हैं जिसमें कि हम लोग फेबल और parable का मतलब ये होता है कि इसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे हम एक मॉरल जो है उसके उसके थ्रू जो है हम ड्रॉ कर रहे होते हैं यानी बहुत सारी चीज़ें हम जब डायरेक्टली नहीं कह सकते तो फिर हम उसमें इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि मतलब ह्यूमन बींग्स में से नहीं होते ते हैं तो उन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा के हम हाँ वो बॉर्ल ड्रा करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फेबल फेबल और पैराबल दोनों में यानी के मतलब ये सिम्बॉलिक uh, स्टोरीज इसको आप कह सकते हैं तो फेबल जो होती है उसमें भी एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं और पैराबल में भी तो ये आपके बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं थर्स्टी क्रो है आपका ग्रीडी डॉग है आपका फूली स्टैग है हेर एंड टोटोइज़ है ये सब मतलब इसमें जितने भी आप एनिमल्स यूज़ करें एनिमल कैरेक्टर्स हैं आपके सारे स्टोरीज में तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको बताती हैं कि दीज़ आर फेबल्स तो स्ट्रक्चर ऑफ अमरल स्टोरी क्या होता है जी प्रॉपर जिस तरह से आप एक ऐसे लिखते हैं इसी तरह से आपकी जो स्टोरी होती है उसमें भी उसके थ्री पार्ट्स होते हैं एक उसकी बिगिनिंग होती है मेडल होता है दैन इज़ एन एंड इट्स इन अ अंटिनटी तो जी ये एक कॉन्टिन्यूशन uh, में चलता ही नहीं कि ब्रेक्स नहीं आते हैं ये नहीं होता कि आपने पहले जो बात की अगली बात जो है सो टोटल डिफरेंट है तो आपने ये जहन में रखना है कि आप अगर डिवीज़न करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक पैराग्राफ रखते हैं फॉर योर बिगनिंग और एक रखते हैं आप उसके एंड के लिए तो दो पैराग्राफ्स आपके मेडल के लिए होने चाहिए तो मतलब आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं ऊपर नीचे मतलब इन तीनों कैटेगरीज के, के अंदर किसी तरह से भी जैसे आप, आपको उसमें लगता है ईज़ीली जिसमें आप कॉन्टीन्यूएशन ऑफ इवेंट्स जो है वह आप उसको रख सकें मेंटेन रख सकें तो यहाँ पर जो है उसकी प्रॉपर एक बिगिनिंग होगी जिसमें आप इंट्रोड्यूस कराएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें जब स्टोरी के बारे में लिखते हैं तो वो स्टोरी की डेफिनेशन पूरी लिखने शुरू स्टोरी होती क्या इसमें क्या बताते हैं ये सब चीज़ें ये ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनका आपको कोई मार्क्स या कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है तो आपने ऐसा कुछ नहीं लिखना आपने सिंपल जो है वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करनी है आप हम आगे जाकर बात कर सकते हैं कि स्टोरी के स्टार्ट में आप वन से अ टाइम बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट आप स्टोरी पर आ जाएंगे या आप उससे पहले कुछ आप अपना प्रेफेस जो है या कोई तमीद बांध देंगे या कुछ उसका बारे में आप कोई इंट्रोडक्शन देंगे तो जी उसकी हम बात करेंगे बाद में uh, तो स्टोरी इज जनरली रिटर्न इन द पास्ट टेंस तो जो स्टोरी होती है वो पास टेंस में लिखी जाती है नॉर्मली और इट इज़ वेरी इजी फॉर यू बिकॉज जब आप प्रेजेंट टेंस में आते हैं तो समटाइम्स आप लोगों को uh, समझ नहीं पाते uh, उसको uh, मतलब स्टोरी प्रेजेंट टेंस में अगर uh, uh, वैसे तो आप जो यूनिवर्सल uh, ट्रूथ्स होते हैं वो तो आप प्रेजेंट टेंस में लेकर भी आ जाते हैं लेकिन स्टोरी को हमेशा चूंकि नरेट किया जाता है जो कि एक वाक्य हो चुका होता है जैसे कि आप मॉडल ड्रॉ कर रहे होते हैं इसलिए इसको नॉर्मली जो है वो पास्ट टेंस में ही लिखा जाता है और ये इजी भी होता है आपके लिए लिखना कि आपको पता है कि आपने हर एक के साथ सेकंड वर्ब की जो है वो फॉर्म लगानी है जी पे अटेंशन टू द कॉन्टेंट्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म आपने ये बहुत जहन में रखना है कि आप कौन सी बात लिख रहे हैं नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपने जो है वो सिंपल बस याद कर लिया था स्टोरी को उसके बाद आपको जहन में नहीं रहा कौन सी पार्ट कौन सी स्टोरी का है और आप जब एग्ज़ाम में जाकर लिखा तो आपको पता ही नहीं चला आपने उस स्टोरी का पार्ट इसमें लिख दिया तो आपने जहन में रखना है कि कॉन्टेंट्स जो हैं उनको जहन में रखें और कोशिश करें कि स्टोरी आप अपने जहन में एक बना लें उसका एक प्लॉट बना लें कि स्टोरी में इस इस तरह से इवेंट्स जो हैं वो चलेंगे उसके बाद उसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस uh, कर दीजिए नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर कि जिस तरह आपने स्टोरी लिखनी कैसे अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि स्टोरी को आपने लिखना कैसे है तो सबसे पहले क्या करना है जी मेक एन आउटलाइन और द प्लॉट इन योर माइंड अब अपने जहन में बनाएंगे कि अगर आपको स्टोरी आ जाती है और uh, स्टोरी जब आती है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्टोरी आ जाती है जी गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम तो अब आप इसके ऊपर सबसे पहले सोचेंगे कि आपने स्टोरी लिखनी कौन सी है उस स्टोरी के इवेंट्स जो हैं वो आप सारे अपने जहन में बनाएंगे पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ ये सब चीज़ें आपने एक आउटलाइन अपने माइंड में तैयार कर लिया है आप अपने माइंड में भी तैयार कर सकते हैं एंड यू कैन पुट इन योर पेपर एज वेल आप अपने पेपर में जो मतलब आप अपने क्वेश्चन पेपर पर पे कभी भी नहीं कुछ भी लिखेंगे आप अपनी आंसर शीट पर एक रफ वर्क के लिए एक पेज रखें जिसमें आप ये चीज़ें लिख सकते हैं तो वहां पर आप अपनी आउटलाइन या अपना प्लॉट जो है उसमें बता सकते हैं उसके बाद यू मे स्टार्ट द स्टोरी विद द डिस्कशन ऑफ इट्स मॉरल और थीम और यू मे एंड विद तो अब इसके पास दो ऑप्शन हैं आपके पास या तो आप स्टोरी के बिल्कुल स्टार्ट में कि जी आप गॉड हेल्प्स दोस्त जो है ये आप आप जो मॉरल है ये आपको थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी से मिलता है उसमें आपको जो है वो जो लेसन है आप किस तरह से लर्न करते हैं कि क्रो जो होता है वो जिस तरह के मुश्किल हालात में जिस तरह के वो प्रॉब्लम्स को फेस करता है और वो उससे बिल्कुल रिस नहीं होता बल्कि वो अपनी कोशिश को जारी रखता है और फिर वो ये करता है तो ये चूँकि जो है एक इसमें आ जाता है फ़िलोसॉफ़िकल uh, uh, इसमें इम्पैक्ट भी आ जाता है तो आप कहेंगे जी फिर वो ये होता है कि जब आप मेहनत करते हैं तो जो तो आपकी मेहनत होती है दैट नेवर गोज़ अन रिवॉर्डेड तो अल्लाह पाक जो तो है वो हमेशा आपकी फिर हेल्प करते हैं तो दैट इज़ कंक्लूडेड इस तरह के जी आप गॉड हेल्प तो उसमें फिर क्या होगा कि आप इस कि बस आपके पास दो ऑप्शन हैं सिंपल आप स्टार्ट कर दें वन सेफ ऑन टाइम देर वॉज अ थर्स्टी क्रो तो या फिर आप उसका थीम जो है वो उसको स्टार्ट में लिखें और पूरी स्टोरी को बताने के बाद आप एंड पर लेकर आएँ कि जी लिहाजा इससे ये हमें साबित होता है या इससे हम ये ड्रा करते हैं मॉरल तो और ये भी हो सकता है कि आप जो इसका थीम जो है वो उसको uh, थोड़ा मतलब uh, अच्छे तरीके से बता दें इन द बेगिनिंग ऑफ द स्टोरी और फिर uh, एक या दो लाइंस में आप बता दें इन द एंड ऑफ द स्टोरी तो उसमें आपको एंड पर वो बताना नहीं पड़ेगा तो आपका ये जो एक इम्प्रेशन है ना वो आपका चूंकि स्टार्ट में डेवलप हो गया है सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको स्टार्ट में लिखें और एंड पे थोड़ा सा इसका रेफरेंस दे दीजिए ठीक है सो दिस इज़ द बेगिनिंग ऑफ द स्टोरी देन राइट द स्टोरी अकॉर्डिंग टू दैट आउटलाइन जो आपने आउटलाइन एक ड्रा की है अपने माइंड में बनाई है या अपने पेपर पे बनाई है आपने उसके अकॉर्डिंग स्टोरी जो है वो लिखनी है तो वो इवेंट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए कि किस किस तरीके से जो है वो आपकी वर्ड्स जो है वो हो रहे हैं जी राइट इन सिंपल बट करेक्ट इन ग्रामेटिकल लैंग्वेज अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मोस्ट इकन पॉइंट अब जब एग्जाम में पेपर अटैम्प्ट रहे होते हैं अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जितना वो मुश्किल किस्म की अंग्रेज़ी लिखेंगे उतने ज़्यादा उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे उनसे एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता आपने ईजी लैंग्वेज यूज़ करनी है मतलब आप ख़ुद से मतलब इस चीज़ को सोचिए कि आपको रिलैक्स रहना है टेंस नहीं होना है बहुत मुश्किल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है इजी लैंग्वेज यूज़ कीजिए और आप इसमें आप यू विल बी फैसिलिटेटेड इस तरह से कि आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा मुश्किल मुश्किल से वर्ड्स तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि आप मुश्किल वर्ड्स लिखेंगे तो आप जो है वो अच्छा इंप्रेस कर सकते हैं बस ईजी होने चाहिए उसमें आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करने होते हैं आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए उसी सूरत में आपको इसके मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं तो टेन मार्क्स अगर स्टोरी के हैं आपके तो आपको मैक्सिमम आप एट भी ले सकते हैं तो ये इम, आप डिपेंड करता है कि आपके तरह से आप इंप्रेशन जो है वो लेकर जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वी गो फॉर चेकिंग मार्किंग दि पेपर्स तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया होता है कि एक ही पैराग्राफ में जो है पूरी स्टोरी उन्होंने लिख दी होती है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका अगर आपकी राइटिंग छोटी है तो वन एंड अ हाफ पेज तो ज़रूर होना चाहिए और अगर आप अच्छा खुला वाइड लिखते हैं ओपन लिखते हैं तो आपके टू पेजेस होने चाहिए हैं एक अच्छी स्टोरी आप उसमें अच्छे तरीके से पूरी कर सकते हैं तो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड कि आपने जो स्टोरी है चूँकि ये इंटर लेवल की है तो आप इसमें वो सेवन्थ एथ क्लास की याद की भी स्टोरी प्लीज़ मत लिखिएगा हाँ उससे आप थोड़ी सी हेल्प लिख सकते हैं उसमें मज़ीद बहुत सारी चीज़ें ऐड करके आप उसके अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं बट प्लीज आपने वो वाली स्टोरी नहीं लिखनी है बिकॉज वो स्टोरी उस आ, क्लास के साइज़ के अकॉर्डिंग थी अभी आपको बड़ी स्टोरी लिखनी है लेकिन उसमें आपने ये जहन में रखना है कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए नेक्स्ट इज ट्राई टू कीप द ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स यानी कि ये नहीं है कि आप ये कहें कि जी उसने जो स्टोन्स उसमें डाले हैं पानी पहले ऊपर आ जाए स्टोनस आप बाद में लेकर आ रहे हो तो इसलिए आपने ऑर्डर जो है उसको हमेशा जहन में रखना है जी गिव द डिटेल्स इन अ नेचुरल मैनर आप डिटेल्स दे सकते हैं उसके सराउंडिंग्स की जहाँ पर वो स्टोरी हो रही है तो उससे जो है वो आपकी स्टोरी की लेंथ भी बेहतर होगी लेकिन उसको ड्रैग प्लीज नहीं करना है यानी कि नेचुरल यानी कि लगे नहीं कि आप अन नेचुरल कोई डिटेल्स जो है उसमें या मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है आप इसमें चीज़ें ऐड कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी अननेसेसरी डिटेल्स नहीं आपको देनी है सो डोंट फोगेट टू रिवाइज इन देंड जब आपने लिख लिया स्टोरी को अब आप उसको भले तो उसी वक्त आप उसको रिवाइज कर लीजिए और चाहे तो आप जब एट द एंड ऑफ द पेपर जो है आप उसको रिवाइज कर लीजिए नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट मॉरल स्टोरीज ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे तो प्लीज़ इसको देख कर आपने परेशान नहीं होना कि इतने सारे टॉपिक्स हैं तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीन से चार पाँच जो टॉपिक्स हैं आपके मॉरल स्टोरीज जो हैं मॉरल जो हैं वो आपके एक स्टोरी के साथ कवर हो जाते हैं तो ये इट इज़ आप उसको टैकल करते हैं जी जैसे है जी ऑल दैट कलेक्टर्स इज़ नॉट गोल्ड तो इसमें आपको पता है आप कौन सी स्टोरी लिखते हैं नॉर्मली आप द फुलिश ट्रैक वाली स्टोरी लिखते हैं तो प्राइड एथ ए फॉल तो जब आप प्राइड एथ ए फॉल में आते हैं तो आप फुलिश ट्रैक को भी लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप फुलिश ट्रैक करते हैं तो आपकी ये दोनों स्टोरीज हो जाती हैं तो प्राइड एथ ए फॉल में जो है वो आप जो लिखते हैं खैर एंड टोटोइस के जो कॉम्पिटिशन होता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं लिख सकते हैं यूनियन स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से आप सबको पता है कि आपने इसमें कौन सी स्टोरी लिखनी है उसकी बात है जी ग्रीड इज कर्स तो अब आगे देखिए कि ग्रीड इज़ अ कर्स से लेकर आगे तक जो है वो आपके सारे के सारे जितने भी मॉरल्स हैं वो सारे के सारे की स्टोरी के ग्रीड इज़ अ कर्स ग्रीड ब्रिंग्स लॉसेज और डिस्ट्रक्शन समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग ऑल कोविड ऑल लॉस एज़ यू सो सोशल यूडीब तो इन सब के लिए आपकी ग्रीडीज़ uh, ए के लिए तो पर्टिकुलरली आपकी डॉग वाली स्टोरी आ जाती है द ग्रीडी डॉग की लेकिन अगर आप इन सारे लेसन को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो जो थ्री फ्रेंड्स वाली स्टोरी है वो आप इजीली इस सारे जो आपकी ये फाइव uh, मॉडल हमने डिस्कस किए उन सब के लिए वो एक स्टोरी जो है वो सफिशेंट है नेक्स्ट इज़ अस्टिचेंट टाइम सेव्स नाइन ये आपको पता है कि वो जो किंग का मैसेज लेके जाता है हॉर्स पर तो उसमें वो स्टोरी आ जाती है एक्सेस काइंडनेस नेवर गोज़ अनरिवॉर्डेड डू गुड हैव गुड वर्च नेवर गोज़ वेस्ट और अनरीवॉर्डिड तो ये तीनों स्टोरीज जो हैं तीनों मॉरल जो हैं वो एक ही स्टोरी के लिए आ सकते हैं जिसमें आपके पास लाइन एंड माउस वाली भी स्टोरी है इसके अलावा लाइन एंड अ मैन वाली स्टोरी भी है तो आप इसमें लिख सकते हैं इसके अलावा इसमें वो एक आंटवली स्टोरी भी है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट इज़ हेस्ट मेक्स वेस्ट लुक बिफोर यू लीप और टिट फोर टैट यू सो सोशल यू रीप ये सारी जो है ये भी आपकी एक ही uh, स्टोरी के लिए ये मॉडल्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं जी नेक्स्ट इज ट्राई ट्राई अगेन

है, जो हमने आ सकती हैं तो अगर आप इनको कर लें तो होपफुली आपको से, तो अभी अगर आप देखें तो इसमें से आपने सिक्स टू सेवन स्टोरीज कोई बनती हैं जो आपने अगर वो कर लेते हैं तो ये आपके सारे मॉरल्स कवर हो जाते हैं तो यूजुअली इनमें से कोई एक मॉरल जरूर आ जाया करता है जी तो आई होप के आपने इसे अच्छे से समझ लिया आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए आप यू विल इट थैंक यू अल्लाह हाफ